के साजिश जे भी कर ले बा, साजिश जे भी कर ले बा, सबके फेल करा द हो। साजिश जे भी कर ले बा, साजिश जे भी कर ले बा, सबके फेल करा द हो। जल्दी से मनीष भैया के मिल के बेल करा द हो। मन के सवरिया बन गईला तू, मन के सवरिया बन गईला तू, ये चुप कैसे का कैला तू, नस नस में तू गईलो समाय। नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश और आप देखना शुरू कर दिए हैं DNY न्यूज। इस वक्त मैं सुपौल के त्रिवेणीगंज में मौजूद हूँ और हमारे साथ वही गुलजार जी हैं, हमारे बिहार का लाल, एक फेमस कलाकार, फेमस सिंगर। आप इनका कई गाने देखे होंगे, कई सामाजिक मुद्दों पर, कई लोक गीत के माध्यम से ये हमारे तमाम दर्शकों को इंटरटेनमेंट कराते रहते हैं और ये अपने गीत के माध्यम से, अपने शायरी के माध्यम से दिल जीत लेते हैं। तो आइए सबसे पहले बिना देर किए हुए आपको एक गाना इनका सुनाने का मैं प्रयास करूँगा। गुलजार जी, सबसे पहले आपका DNY न्यूज में स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने माइक पे मुझे बोलने का मौका दिया और ऑडियंस तक कुछ पहुंचाने का मौका दिया। जी, इधर इस बीच में जब देखा गया कि कई मुद्दा आया हमारे बिहार में, बिहार से बाहर भी, जैसे ज्योति मौर्या का हो गया, सीमा हैदर का हो गया, और भी कई मुद्दे पर आपने गाना गाए। पहले तो मनीष कश्यप जी के ऊपर भी आपने गाना गाए, तो हम एक मीडिया कर्मी होने के नाते चाहेंगे कि हमारे जो मीडिया क्षेत्र में, डिजिटल मीडिया में क्रांति लाने वाले, बिहार में क्रांति लाने वाले हमारे मनीष कश्यप जी, जो अभी तमिलनाडु के जेल में है, उनके लिए आप एक गाना सुनाएं। देखिए, मनीष जैसे परिंदे अभी कैद में पड़े हैं, मनीष क्या है नहीं है मैं तो नहीं जानता, आप लोग से बेहतर नहीं जानता, मैं उनके आगे, आप सबके आगे तो बच्चा हूँ। बस दो लाइन कहने की कोशिश किया हूँ एक कलाकार होने के नाते, सुनिएगा। के साजिश जे भी कर ले बा, साजिश जे भी कर ले बा, सबके फेल करा द हो। साजिश जे भी कर ले बा, साजिश जे भी कर ले बा, सबके फेल करा द हो। जल्दी से मनीष भैया के मिल के बेल करा द हो। साजिश करे वाला के पलाने सब फेल करा द हो। तो कहीं ना कहीं गुलजार जी, आपका भी ये मानना है कि साजिश हुआ है? देखिए, मुझे जहाँ तक सुनने को मिला, मैं तो उससे वाकिफ नहीं हूँ, तो इसीलिए हम लोग, सही बात है, हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। वो प्रशासन की काम है, वो जो है क्या कहते हैं, कोर्ट की काम है कि वो इस पर क्या सही है क्या गलत है वो अपना बयान दें, लेकिन हम लोग एक अनुभव कर सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा, मनीष कश्यप क्या लगता है कब तक छूट जाएंगे जेल से? देखिए, ये कानून के हाथ में है और वही फैसला करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये अंधा कानून हो चुका है। मूवी भी देखे होंगे आप अमिताभ बच्चन का। जी बिल्कुल, सेम वही मुझे नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं मेरा बिहार बर्बाद हो रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि बिहार बर्बाद हो रहा है मेरा, कहीं ना कहीं उनका ही हाथ है। आज के दौर में देखी जाए तो लोग हाथ के बजाय पैर खींचते हैं। जिस दिन हाथ खींचने लगेंगे ना, तो मेरा बिहार कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे बिहार में मीडिया क्षेत्र में भूचाल ला दिए मनीष कश्यप जी, और कहीं ना कहीं उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण जो है हम लोग भी आज ये माइक पकड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं से हम लोगों को भी हिम्मत और हौसला मिला कि आज हम लोग, उनको जेल में होने के कारण हम लोग आज जगह जगह पर जाते हैं, छोटी बड़ी हर खबरों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो गुलजार जी, कोई एक और आप लोकगीत सुना दे हमारे दर्शकों को। जी देखिए, गीत तो बहुत सारा है। बस मन के सवरिया बन गईला तू, मन के सवरिया बन गईला तू, ये चुप कैसे का कैला तू, नस नस में तू गईलो समाय। डाल दिला परेशानी में
गजब के रोग लगा दे हला रानी हमके जवानी में। वाह क्या बात है, पहले ही मैंने बताया था दोस्तों कि दिल खुश कर देते हैं ये अपने गानों के माध्यम से, और इन्हें मोहम्मद रफ़ी का भी जो है नाम से जोड़ा जाता है, क्योंकि इनके गानों में जो सुर जो है कहीं ना कहीं मोहम्मद रफ़ी की तरह है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे जो होनहार सिंगर हैं, हमारे जो बिहार के होनहार कलाकार हैं गुलजार जी, इनके लिए वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये भी आगे बढ़े। और DNY न्यूज पर अभी तक अगर नए हैं तो DNY न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।